तो हाय गाइज, आज के एक न्यू वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में तुम्हारा भाई खेलना था सोलो वर्सेस स्क्वाड और मैं उतरता हूँ स्टेडियम पे। अब स्टेडियम पे कुल मिला क्या जाता है, एक स्क्वाड जिसको तो मैं काफी इजी मारता हूँ, मतलब इतना इजीली मारता हूँ ना कि मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब 1v4 कर दिया। तो बहुत मजा आने वाले इस वाली वीडियो में, और इसके आगे जो क्लचेज है ना उसको देख के आप लोग जस्ट यही रिएक्शन होगा, बॉस भाई आप मारते कैसे ऐसे बंदों को, मतलब तीन तीन चार चार बंदे एक साथ घुस गए और भाई तुम्हारे भाई ने वक्त जज्बात जिंदगी बदल दिया। तो बहुत मजा आने वाले आगे वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए तो निपटाते इस वाले स्क्वाड को और देखो आप एंजॉय करो। अभी ऊपर कुछ ना कुछ करके मैंने स्क्वाड के दो बंदों को तो नॉक कर दिया था, लेकिन भाई मेरा हेल्थ ना के बराबर है और किस्मत देख रहे हो कि वही भी फर्स्ट एड मिल जाता है और भाई हेल्थ करने का टाइम भी मिल जाता है। और इसके बाद जो इसके दो टीममेट को मैंने मारा है ना भाई, उसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। आप लोग खुद देखो और भाई आप लोग भी सर पकड़ लोगे, बॉस भाई पॉसिबल कैसे ये। और भाई इसी के साथ होता है 1v4 और भाई सामने वाले बंदे जस्ट सोचते ही रह गए और तुम्हारे भाई ने 1v4 कर दिया। मतलब सामने वाले बंदे जस्ट यही बोल रहे कि भाई तुमने मारा तो मारा कहाँ से, उन लोग को पता भी नहीं चला और तुम्हारे भाई ने निपटा दिया। अब स्टेडियम क्लियर हो चुका था, मुझे चाहिए थी और किल, तुम्हें जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ आता हूं और यहाँ पे मुझे मिलता है बग्गी। तो जैसे बग्गी को मैं थोड़े आगे लेके जाता हूँ, सामने की तरफ मुझे गाड़ी दिखती है जिसका कलर चेंज हुआ था और मैं समझ गया कि भाई बंदे तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। और जैसे मैं चला जाता हूँ ना, अब ये वाला क्लच देखने के बाद तो आप लोग का जस्ट यही रिएक्शन होगा कि बॉस भाई पॉसिबल कैसे ये। और भाई ये देखने के बाद मेरा जस्ट यही रिएक्शन था कि भाई मौत को चुके टक से वापस आ सकता हूँ, क्योंकि भाई तीन बंदे जस्ट मुंह पे आ गए और भाई सामने वाले बंदों के पास एक्स 12K भी है और तब भी तुम्हारे भाई ने एक को नॉक दे दिया और बच के भी आ गया, तो भागने में भी तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है। अभी बाकी स्क्वाड के दो बंदे तो उसको निपटाते हैं। अब इसको के तीन बंदों को तो मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन इसका जो लास्ट वाला बंदा था ना ये बहुत आरामी था, जहां पर भी मैं जा रहा था ये बंदा एक्स 12 के चिपकाए जा रहा था, लेकिन तुम हमारे जितना दिमाग कहां लगा सकते हो। तो अभी निपटाते इस वाले स्क्वाड को। इसी के साथ आता है 1v4। अब मुझे यहाँ पर क्लच की इतनी खुशी नहीं हो रही थी जितना मुझे उस बोर्ड पर गुस्सा आ रहा था। जब मैं आ रहा था ना, पता नहीं इस बोर्ड को कौन सा कीड़ा काट रहा था कि ये बंदा मुझे रास्ता ही नहीं दे रहा। और भाई ये इतना हरामी बोर्ड है ना कि उन लोग के तीन बंदे नौके उन लोग को नहीं मार रहा, लेकिन मैं आ रहा और मुझे मारे जा रहे। भाई उन लोग को भी मार दो, खाली मैं ही दिखाऊं क्या तुम्हें लॉबी में। इस बंदों को मारने के बाद मैंने गाड़ी निकाली और बंदों को मारने के लिए, वेस्ट टाइम एक प्लेयर चला था तो मैं जा रहा था प्लेयर वालों को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर पीछे की साइड पायर आते हैं और भाई जैसे पायर आया ना तो मैंने बोला कि भाई तुम लोग को ही निपटाएंगे, तुम लोग को बहुत चौके पाइट लेने का। अब इन लोगों में से एक बंदा था जादूगर, आप लोगों को गेस करना कि जादूगर कौन सा वाला था और ये था या नहीं था। अब यहाँ पर जैसे इस बंदे ने मुझे डैमेज दे दिया ना, तो मैं समझ गया कि भाई इस बंदे में कुछ तो है, क्योंकि भाई इतना गंदा इतने दूर से कोई नहीं मार सकता। और मैंने दोबारा पीक कर भी नहीं लिया, क्योंकि भाई अगर मैं दोबारा पीक कर लेता तो मुझे लग रहा था कि मेरा क्रेड बनेगा और सीधा लॉबी में, क्योंकि भाई जादूगर लोग दूर से बहुत गंदा मारते हैं। तो मैंने गाड़ी निकाली, क्लोज चला गया, क्योंकि भाई क्लोज रेंज में इन लोगों का एम नहीं लगता, मतलब अपने ही पैर मारे जा रहे हैं। अभी देखो इसकी हरकत है, मतलब भाई लिटरली इस बंदे ने मुझे एक गोली तक नहीं मारी और लॉन्ग रेंज में कितना गंदा मार रहा था आप लोगों ने खुद देख लिया। और इसकी बाकी टीममेट की हरकतें देखो, तो भाई मतलब इन लोगों को बंदा क्या ही बोले, लॉन्ग रेंज में इतना गंदा मारता है ना कि भाई बंदा है तो यही है, और भाई क्लोज रेंज में इन लोगों की हरकतें देखने लायक होते हैं। तो अभी के लिए इन दोनों को निपटा दिया और गाड़ी निकाली और बंदों को मारने के लिए। अभी यहाँ पर मैं सेंट्रल रोड पहुंच जाता हूं तो नीचे मुझे कुछ बंदे दिखते हैं जिसको मारने के लिए मैं उतरता हूं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ सीन होने वाला है ना भाई बहुत गलत, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि भाई मैं पिट गया। भाई मतलब किस्मत देख रहे हो, कहां कहां से बंदे मार रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। और ये ऊपर वाला बंदा तो पता नहीं मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है, तो सबसे पहले तो इसको निपटाते हैं।
अब यहाँ पर कुछ ना कुछ करके इस बंदे को तो मैंने नॉक दे दिया था, लेकिन इसका दूसरा जो टीममेट था जो कि सड़क के पार था, जिसको मैंने स्कोप में ओपन तो किया था लेकिन मैंने मारा नहीं था, तो अभी बचा है वो बंदा। अभी वो रश करने वाला है, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे हेड लगा लेता हूँ, वेट करता हूँ कि वो बंदा कब आएगा। तो अभी वो जैसे आएगा तो निपटाते हैं उसको भी। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद मैंने इसको सीधा फिनिश कर दिया। अभी अब मुझे लग रहा था कि ये दोनों फिनिश हो चुके हैं तो मुझे जोन में जाना चाहिए, और जैसे मैं अपनी गाड़ी के पास चला जाता हूँ ना तो मेरी गाड़ी का हाल कुछ यूँ होता है, तो मैंने बोला कि भाई गाड़ी तुम्हें रहने दो, मैं उन लोग की गाड़ी पे चलता हूँ। और जैसे मैं उन लोग की गाड़ी पे पहुंचता हूँ तो भाई उन लोग की गाड़ी में भी फ्यूल नहीं होता भाई, मतलब किस्मत देख रहे हो, फ्यूल भी नहीं है और जोन भी है, और सामने उनके दो टीममेट। अभी यहाँ पर मुझे ये पता नहीं था कि इनके दो टीममेट अभी जिंदा है, मैं जस्ट मतलब मजे में जा रहा था, और जैसे मुझे साउंड आता है तो देखो अब क्या होता है। अभी इस बंदे को मैंने काफी हद तक डैमेज दे दिया था लेकिन ये बंदा बच जाता है, और इसका दूसरा जो टीममेट था वो लेफ्ट साइड से आता है। भाई मतलब शॉटगन देख रहे हो, एक गोली लगी है और मैं 1 HP, और इसके दूसरे टीममेट पे भी शॉटगन था, तो भाई यहाँ पर मेरा करियर डाउन हो जाता है, क्योंकि शॉटगन आप लोग को पता है कितना बेकार चीज है। और भाई मतलब क्या ही बोलूँ, कवर में मार के चला गया बंदा, मतलब पता भी नहीं चला और मैं मर गया। तो यही था गेम प्ले, होप आप लोगों को बढ़िया लगा हो। गेम प्ले बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और इस शॉटगन वालों को बद्दुआ में जरूर याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।